अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं सुबह सुबह ही सालन बना रही हूँ दोपहर के लिए, क्योंकि आज हमें कहीं निकलना है और हमने कहाँ जाना है ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। सालन जो मैं आज बना रही हूँ वो जितनी भी लेफ़्ट ओवर चीज़ें थी ना फ्रीज़र में पड़ी हुई, उनको आज मैं यूज़ करके बना रही हूँ। तो कुछ दिन पहले हमारे घर पर जो दावत थी उसमें मैंने कोरमा बनाया था लैम्ब का, तो वो थोड़ा सा बच गया था, उसको मैंने फ्रीज़ कर दिया। फिर रमज़ान के बाद जो है वो पालक काफ़ी सारी बच गई हुई थी, उसको मैंने काट के धो के और उसको स्टीम करके मैंने फ्रीज़ कर दिया था, तो उसको भी आज मैंने निकाला है। उसकी प्यूरी बना के तो जो कोरमा बचा हुआ था उसके अंदर मैंने डाल दिया है, ताकि ये जो है ना पालक गोश्त बना दूंगी इसका मैं। तो इसको मैं अच्छे तरीके से भून लूंगी और उसके बाद फिर थोड़ी सी क्रीम जो है वो मेरे पास फ्रीज़र में पड़ी हुई थी, 2-3 चम्मच क्रीम, पता नहीं किसी रेसिपी के लिए शायद मैंने यूज़ की थी तो बच गई, मैंने उसको भी फ्रीज़ कर दिया था। तो इस क्रीम को भी मैं पालक के अंदर ऐड करके तो इसको अच्छे तरीके से मैं भून लूँगी, तो बहुत अच्छा सा पालक गोश्त बन जाएगा। हमें वैसे पालक गोश्त जो है वो बहुत अच्छा लगता है। जो जर्मनी में एक पालक मिलती है फ्रोज़न राम स्पिनाच, वो बड़ी ज़बरदस्त होती है, उसमें फ्रोज़न वो पालक होती है उसके अंदर ही क्रीम मिक्स हुई हुई होती है, तो वो मुझे यहाँ पे आके नहीं मिली। जो फ्रेश पालक होती है उसमें थोड़ी सी कड़वाहट होती है, तो वैसा टेस्ट तो नहीं बनता, लेकिन क्रीम डाल के और ये सारी चीज़ें डाल डूल के मैंने ना थोड़ा सा उसको उस तरह का बनाने की कोशिश की थी, लेकिन बहरहाल काफ़ी अच्छा बन गया था सालन। सालन इसलिए मैं आज सुबह सुबह बना रही थी कि बच्चों को मैंने बताया था ना कि छुट्टियाँ हुई नहीं हैं यहाँ पर, तो आज इनको हमने बाहर लेके जाना था घुमाने फिराने के लिए, तो बच्चे कहने लगे कि हमने बस पे सफ़र करना है। तो मुझे ख्याल आया कि काफ़ी अरसा हो गया है जब से कोरोना भी स्टार्ट हुआ है, हम लोग बिल्कुल भी बस पे नहीं बैठे, तो बच्चों को शौक़ होता है बस में बैठने का ना, कि बाहर से वो सारा सिटी भी देख लेते हैं। और यहाँ की बसेज जो हैं वो बसेज जो हैं वो डबल डेकर भी हैं, तो हमने सोचा कि चलो आज उस पर चलते हैं। मेरा एक पार्सल आना था माठलान पे, तो वो भी मैं पिक कर लूँगी और उसके बाद थोड़ा सा सिटी जो है वो घूम के, तो उसके बाद करीब ही वहाँ पे एक सिटिंग एरिया भी है, तो वहाँ पे बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा खेल भी लेंगे। पहला जो एरिया है ये हमारे घर से तकरीबन 2.5 माइल्स पे होगा, इतनी दूर नहीं है, तो बस पे तकरीबन 15 मिनट लगते हैं हमें जाने में और 15 मिनट आने में। और इस एरिया में तकरीबन सारे ही जो मेन स्टोर्स हैं वो हैं, और एसडा वगैरह से शॉपिंग करनी हो तो तब भी हम इसी एरिया में ही आते हैं। अब मैं माठलान पे जा रही हूँ, वहाँ से मैंने अपना पैकेट कलेक्ट करना है। तो जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है उसके बाद से ना ऑनलाइन शॉपिंग की ही आदत पड़ गई है, तो मुझे बड़ा मुश्किल लगता है बच्चों के साथ जाके तो शॉप्स पे जाके शॉपिंग करना, तो अब मैं ज़्यादातर जो शॉपिंग है वो ऑनलाइन ही कर लेती हूँ। एक तो टाइम भी उससे ज़रा सा सेव हो जाता है और दूसरा मुझे थोड़ा सा आसान लगता है। शॉप्स में मुझे ऐसा लगता है जैसे इतनी सारी चीज़ों में से चीज़ सेलेक्ट करना मुझे वो ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है, और ऑनलाइन जो है वो वैरायटी भी थोड़ी ज़्यादा होती है।
इन मार्केट्स के बिल्कुल ऑपोजिट छोटा सा एरिया बना हुआ था, उसमें पूल था और डक्स वगैरह बर्ड्स वगैरह थी काफ़ी वहाँ पे, और बैठने के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह थी। तो हमने सोचा कि थोड़ी देर वहाँ पे बच्चे जो है वो खेल लेंगे, और ऐसी जगहों पे पिक्चर्स भी बहुत अच्छी आती हैं, तो मुझे बच्चों की कुछ तस्वीरें भी खींचनी थी। तो बस यहाँ पर हम थोड़ी देर रुकेंगे और उसके बाद फिर हम घर वापस जाएंगे। ये थी आज की वीडियो, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल इस टाइम आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।